हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू माय दिस न्यू यूट्यूब चैनल। नया ही बना भाई। तो आज मैं आपको टेक वेक से कुछ हटके कुछ बतलाने वाला हूँ। आज बतलाऊंगा नहीं, आज हम लोग करेंगे DIY। बहुत टेक कर लिया, टेक पे बहुत वीडियो बन चुके हैं, इसलिए थोड़ा DIY पे बना लेता हूँ। तो आज मेरे पास ये पायलट का पेन है V7, इसको आज हम करेंगे कस्टम DIY। देख सकते हैं इसका ये पूरा रंग झड़ रहा था, तो मैंने सोचा इसको पूरा कस्टम कर लेते हैं, इसे थोड़ा DIY अपना लेंगे। तो बस इसको कस्टम करना शुरू करते हैं। तो इसको अभी हम अलग अलग कर लेते हैं, तो इसको पीसेस करेंगे। तो इसके पीसेस हो चुके हैं, इसके एक रिफिल ढक्कन, और ये इसको हम कस्टम करेंगे आज। इसका जो ये कवर है, कलर फेड हो रहा था, तो ये दोनों को साइड में रखते हैं। और हमारे पास आज ये पेपर टेप है, तो पेपर टेप इस पर हम लगा देंगे, कवर करेंगे। तो पेपर टेप इसमें हम लगाते हैं, तो गाइस देख सकते हैं इस पे मैंने दो लेयर पेपर टेप का लगा दिया है। अब ये पूरा वाइट हो चुका है, इससे आराम से वाटर कलर चढ़ सकता है। अगर वाटर कलर अपने चाहते हैं तो इस पे आप स्प्रे पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो चीपेस्ट वे है इसका वाटर कलर से, इसको हम कर देंगे। तो चलिए इस पे हम वाटर कलर लेके आते हैं। तो गाइस चलिए वाटर कलर लाते हैं। तो ये तीन वाटर कलर आएगा मेरे पास, एक रेड और एक ब्लू और एक येलो है पोस्टर कलर से। इसी तीनों के कॉम्बिनेशन से आज हम इसे कस्टम करने वाले हैं, ट्राई करेंगे। तो उसके बाद से मेरे पास ये प्लेट है जिसमें मैं कलर रख के कलर कर सकता हूँ। तो मैं जब देखने गया कलर, तो देखा कि मेरे पास तो कोई ब्रश था ही नहीं, मेरा शायद ब्रश गुम गया है। तो आज मैं इसे फिंगर से ही कस्टम करूँगा। तो एक नया कंटेंट मिल गया, डाई फिंगर कस्टम ऑफ पायलट पेन। तो चलिए इसमें हम प्लेट में हम कलर ले लेते हैं, कलर्स को साइड में करते हैं। और चलिए, तो गाइस मुझे ध्यान में आया, जब मेरे पास ब्रश आ ही नहीं तो मैं प्लेट में कलर्स लेके क्या करूँगा। तो सिंपल सीधे हम इसे इस पर अप्लाई करने वाले हैं। इसमें हम कोई डिज़ाइन नहीं बनाएंगे रैंडमली, इसमें हम कोई भी कलर डाल देंगे और उसके बाद सब इसको फैलाएंगे और एक डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत टफ DIY होने वाला है, क्योंकि इसमें कोई एक फिक्स डिज़ाइन नहीं है। तो चलिए करके देखते हैं कैसा बनता है। तो पहले हम रैंडमली कोई कलर डाल देंगे इसमें, तो चलिए कलर्स पे डालते हैं। तो गाइस देख सकते हैं इसमें मैंने रैंडमली कुछ कलर्स ऐसे सेपरेट कर लिए, तब इससे हम थोड़ा मिक्स करेंगे और अलग अलग से कोई डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कुछ तो हो जाए इस कलर का, कोई अच्छा डिज़ाइन बन जाए बस। और लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में बतलाऊंगा कि आप क्लियर कोट कैसे कर सकते हैं फ्री में। एक मटेरियल होता है जो आपके घर में रहता है, लेकिन आपको पता नहीं रहता है कि उससे आप क्लियर कोट भी कर सकते हैं किसी भी DIY को। तो चलिए देख, तो थोड़ा ऐसे बन रहा है डिज़ाइन। इसमें कलर मिक्सिंग का भी डर रहता है, क्योंकि ये छोटा सरफेस है। तो चलिए दूसरा कलर को सेपरेट कलर करते हैं, थोड़ा रेड कलर लेते हैं। तो इसको अब हम ऐसे हमने किया, थोड़ा मोड़ा ठीक मेरे को नहीं लग रहा है, मुझे को लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई। एक ब्रश लेना चाहिए था, ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए था इसको। तो चलिए इसमें अब क्या कर सकते हैं, तो गाइस थोड़े से दिमाग लगाने के बाद थोड़ा ये अच्छा डिज़ाइन बना नहीं, लेकिन क्या करें ऐसा ही बना। तो चलिए इसको सूखने के लिए डालेंगे धूप में, फिर आता हूँ मैं आपके पास। तो गाइस देख सकते हैं कि मैंने इसको सुखाया है,
देखिए यहाँ पे थोड़ा कलर मिक्स हो चुका है, बहुत ज़्यादा हुआ है, तो थोड़ा इसको मैं फिर से कलर करके सुखाने वाला हूँ, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। तो गाइस जब तक वो सूख रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो सीक्रेट थिंग की बात कर रहा था जो आपके घर में होती है क्लियर कोट करने के लिए, वो ये है। एक कोई भी गम, आप कोई भी सभी गम ले सकते हैं, एक फेवी गम, फेविकॉल, या फिर एक सबसे बेस्ट तरीका जो होता है मॉडपॉच करने क्लियर कोट करने का, वो होता है मॉडपॉच। एक गम आता है, गम का नाम है फेविकॉल, जैसा ही होता है मॉडपॉच, उससे सबसे बेस्ट आप क्लियर कोट कर सकते हैं। वैसे आप फेविकॉल फेविगम से भी क्लियर कोट होता है, तो मैं इसी से करता हूँ। चलिए जब तक सुखा के आते हैं उसको। तो गाइस ये सूख चुका है, तो इस पर हम करेंगे क्लियर कोट। क्लियर कोट जिससे आपको क्लियर कोट का फायदा बतला देता हूँ। अगर आप क्लियर कोट करेंगे तो जैसे कि इसमें एक अच्छी साइन आ जाएगी, एक अच्छा साइन आ जाएगा। उसके बाद आप इसमें जो कलर फेड नहीं होगा वाटर में, जैसे ये वाटर कलर है तो ये कलर फेड नहीं होगा। जैसे मैं भी जो वाटर कलर भी टच करूँगा तो ये कलर मेरे हाथ में लग जाएगा, अभी कलर फेड हो जाएगा, तो उसके बाद ये फेड नहीं होगा। उसके बाद ये वाटर में डालिएगा तो वो वाटर से भी फेड नहीं होगा। तो चलिए इसको हम क्लियर कोट करेंगे अभी इस गम से। तो क्लियर कोट कर लेते हैं हम, बस आपको करना नहीं है धीरे धीरे इसको, इस गम को इस पर अप्लाई करना है।